जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अवधि दोस्ती के बीएड सेकेंड ईयर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, आप सब एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि आपके बीएड सेकेंड ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। ओके, कितने सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है, किताबें कौन सी आपको पढ़नी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्क्स डिटेल्स क्या है, प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। मतलब कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम लेकर आए हैं और आज हम जानेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर, क्योंकि अभी रिसेंटली बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है और आप बीएड सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के बेसिक इन्फॉर्मेशन को और समझते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में आपको पता है कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर में अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट है। इन 5 सब्जेक्ट में 3 आपका कॉमन था, 2 आपका ऑप्शनल था। लेकिन बीएड सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर में आपको टोटल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने टोटल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। और ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है, चाहे आपका जो भी हो, आप ऑप्शनल जो भी रहा हो उसको भूल जाइए। सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर में ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये तीनों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट है दोस्तों एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, हिंदी में बात करें तो शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, चलिए। तीसरा क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न इन इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट है। ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो तीनों सब्जेक्ट वो क्या है, कॉमन है, मतलब सबको पढ़ना है, इसमें ऑप्शनल नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और बस यही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि किस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, या अगर हम बुक की बात कर लें, आइए जरा बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा, इसमें आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं बाबू। कितना पढ़ना है? 6 यूनिट पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये सब्जेक्ट के नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे। शुरू शुरू में इसको याद करना पड़ता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन एवं, तो ये शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो से जुड़े रहेंगे, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसके अलावा सिलेबस भी याद हो जाएगा, राइट। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, अधिगम का आकलन, क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट है। और ये जो है बाबू, इसे न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, मतलब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट 3 है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। ये 3 प्रमुख आपके जो सब्जेक्ट है उसमें 6 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट, इस प्रकार से आपका यूनिट डिवाइड है। अब बुक की बात करें तो देखिए बुक में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो सीरीज से पढ़ते हैं, चाहे वो अवध से पढ़ें, आरके से पढ़ें, सूर्या से पढ़ें, या आप मेरे वीडियोस से पढ़ें, मेरे वीडियोस के पीडीएफ से पढ़ें, मोस्ट बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग है, समय है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा अगर आप पढ़ना चाहें, समय दे सकते हैं तो बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि समय है आपके पास तो और अच्छे से आप उसको पढ़ लेंगे। बुक में मुख्यतः एक अग्रवाल पब्लिकेशन है, एक आर लाल पब्लिकेशन है, एक सूर्या पब्लिकेशन है, ये मुख्य बुक है। इसके अलावा भी कोई भी किताब मिले ना आपको इस नाम से, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा के नाम से, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक आपके विश्वविद्यालय के लिए ऐसा बुक नहीं मिलेगा जिसमें केवल आपके विश्वविद्यालय का कंटेंट दिया हो। ये जो किताबें हैं, जैसे ये जो किताब है समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता मुद्दे, ये जनरल किताब है, इसमें आपको जो पढ़ना है वो भी शामिल है, दूसरे विश्वविद्यालय को जो पढ़ना है वो भी शामिल है, ये जनरल किताब बनाई गई। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अग्रवाल या आरलाल या फिर सूर्य, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बस आप सब्जेक्ट नाम देख लीजिएगा, समसामयिक ये रहेगा, तो इसमें जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो आपको बुक में मिल जाएगा। मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप अग्रवाल ले लीजिएगा, क्योंकि अग्रवाल इजिली अवेलेबल हो जाता है हर स्टोर पर, या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, तो आप अग्रवाल ले लीजिएगा। इसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा सिलेबस को डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको वन बाई वन देखेंगे जब हम अपना क्लासेस शुरू करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप अंदर जाएंगे कि पहला जो सब्जेक्ट था आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज की, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जरा इसको देख लेते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। पहला है दोस्तों, 6 यूनिट था ना, तो पहला यूनिट है आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
एजुकेशन शैक्षिक प्रशासन की क्या प्रकृति होती है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आपको 15 नंबर का एक सवाल यहाँ पे फिक्स है, वो क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ एजुकेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को कैसे संचालित करता है, केंद्र सरकार की शिक्षा में क्या भूमिका है, सिमिलरली राज्य सरकार की शिक्षा में क्या भूमिका है, क्या योगदान है, क्या रोल है, क्या कार्य है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर साल इन दोनों में से दोनों पूछे जाते हैं, कोई एक आपको करना होता है। तो इसको हम जानेंगे, केंद्र सरकार कैसे शिक्षा व्यवस्था कार्य चलाती है, शिक्षा व्यवस्था पे केंद्र सरकार का क्या कंट्रोल है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य है। सिमिलरली राज्य सरकार का क्या कार्य है, क्या भूमिका है, क्या इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात। चलिए थर्ड यूनिट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के बारे में भी, उस प्रबंधन में मान लीजिए आपके स्कूल प्रबंधन हो गया, बजट के बारे में हो गया, तो इन सारी चीजों के बारे में सवाल पूछता है। और फिफ्थ यूनिट है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट के बारे में आपसे प्रदूषण पूछ लेगा, पर्यावरण पूछ लेगा, इन सारी चीजों को पढ़ना है प्रदूषण के कारण। इसमें कुछ और टॉपिक जोड़ लीजिए, जैसे जनसंख्या के बारे में भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट है। और लास्ट से दोस्तों हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित आपकी हाइजीन का क्या मतलब होता है, बैलेंस डाइट आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, संतुलित आहार इसके बारे में, विटामिन के बारे में, पोषक न्यूट्रिशन के बारे में, इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, जो पहला आपका सब्जेक्ट है ना, इस कंप्लीट ये आपका पूरा सिलेबस है, राइट। अब इस सिलेबस में इसी से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जब हम पढ़ाई करेंगे तो वन बाय वन इसको हम अच्छे से डिटेल्स में देखते हुए चलेंगे, राइट। अब ये क्या कर लेते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, दूसरा सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। अब इसमें क्या है भाई, 5 यूनिट, जैसा कि आपको बताया गया है 5 यूनिट। पहला प्रस्पेक्टिव इन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अब यहाँ पे क्या परिप्रेक्ष्य है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, किसी आकलन का मूल्यांकन, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। आकलन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन सब में अंतर क्या है, ये सारी चीज आपको जानना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कुछ टूल्स और टेक्निक होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, अधिगम, अधिगम असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब अधिगम, बच्चे ने कितना सीखा। अब इसको आप यहाँ पे इसके जब यूनिट में आएंगे हम उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि टूल्स एंड टेक्निक ऑफ, जैसे कुछ टूल्स और टेक्निक, टेक्निक के बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आकलन के निर्णयात्मक आकलन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इन सभी के कई प्रकार हैं जिसको आपको पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए जो आप टेस्ट लेते हैं, आप देखा सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, ओरल एग्जाम्स होते हैं, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछता है, इन सब चीज़ों को जानना है। फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिक्स, अब ये बड़ा यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल सवाल आपसे आया। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स में आपने मोड, मीडियन और मोड, मीडियन और मीन, ठीक है, बहुलक, मध्यमान और माध्यिका, इस तरीके के सवाल भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। तो ये जो पॉइंट है इसमें आपसे न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है, नो डाउट आपसे इसमें अच्छे से न्यूमेरिकल आपसे सवाल पूछा जाता है और अच्छे नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, और इस पे एक आपको रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ता है, इस तरीके के सवाल। कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च, एक रिपोर्ट आपको तैयार करना पड़ता है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, लेकिन जनरली थोड़ा सा मैं बता दूँ क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें आपको करना क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं, किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बच्चा पढ़ने नहीं आता, बच्चा होमवर्क करके नहीं आता, बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं, इस तरीके के आपको कुछ प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा। अब आपको इस पर रिपोर्ट तैयार करना है कुछ साइंटिफिक, जब भी हम स्कूल के किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम का रीजन जानने की कोशिश करते हैं और उसको साइंटिफिक सॉल्यूशन, मतलब वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करते हैं, तो उस क्रिया को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसको पढ़ा जाएगा डिटेल्स में, तो इस पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा समझदार सब्जेक्ट है। और अब जो सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों, वो मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट बन जाएगा जब आप पढ़ेंगे। अब आइए अगला क्या है, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। इसमें 6 यूनिट है, इसमें पहला एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, प्री कॉलोनी कॉलोनाइज होने से पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अब इसमें मुख्यतः 3 पॉइंट आते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। पहला कौन सा दोस्तों, वैदिक, वैदिक एजुकेशन कैसे थी, मतलब वैदिक शिक्षा कैसी थी। दूसरा होता है दोस्तों बौद्ध, ठीक है, बुद्धा हम यहाँ पे लिखते हैं।
बौद्ध एजुकेशन, बौद्ध एजुकेशन यानी कि बौद्ध शिक्षा कैसी थी, बौद्ध शिक्षा के आदर्श उद्देश्य क्या थे, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, ये आपको दोबारा इसमें पढ़ना है। थर्ड क्या इसमें आता है, मुस्लिम शिक्षा यानी कि इस्लामिक एजुकेशन या फिर मिडिल एजुकेशन कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसके बारे में वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा, ये तीनों दोस्तों तीन इसके मुख्य टॉपिक्स हैं जिससे अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे तीन टॉपिक यहाँ पे निकल के आते हैं। दूसरा दोस्तों, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, आजादी से पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसमें मुख्यतः हमें जिक्र क्या करना है, जैसे 1813 को क्या हुआ था, इंडिया में ब्रिटिश ने आज्ञा पत्र जारी किया था, जो ब्रिटिशर्स थे, आपने एक वर्ड सुना होगा मैकाले, कई बार आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस के, मैकाले ने ही शिक्षा व्यवस्था, अच्छा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसको कहा जाता है, मैकाले को कहा जाता है, ठीक है, द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो वो मैकाले आएगा। कैसे उन्होंने शिक्षा की, जो हमारी शिक्षा संरचना थी ना पहली बार, जो स्ट्रक्चर बना था क्या पढ़ना है, वो मैकाले ने करा था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है कि आजादी से पहले जब अंग्रेज थे उन्होंने कैसे शिक्षा व्यवस्था रखा, इस शिक्षा को लेके कितनी क्रांति हुई, कितना बहस हुआ, क्या क्या नई चीजें आई, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट एरा, अब आजादी के बाद से शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे NEPs आए, याद रखिए आपको NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको NCF के बारे में पढ़ना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो नई नई चीज़ें, जैसे डिस्टेंस लर्निंग, आप मान लीजिए डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी जो नई नई चीज़ें हैं, जैसे कि इग्नू हो गया, ओपन यूनिवर्सिटीज हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वनस्थली विद्यापीठ हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इंडिपेंडेंट के बाद दोस्तों हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे बनी, कैसे चीजें चल रही है, ये आपको पढ़ना है। बड़ा मजा आएगा, ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना बड़ा ही अच्छा है। चलिए, क्रूशियल इश्यूज हमारे शिक्षा व्यवस्था में, कुछ क्रूशियल इश्यूज है, जैसे कि मान लीजिए जेंडर अनइक्वालिटी, ठीक है, ये चीजें हो गई, इनइक्वालिटी मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, ये चीजें हो गई, या फिर ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम। तो आपके एजुकेशन सिस्टम में जो क्रूशियल, जो महत्वपूर्ण जो समस्या है उसके बारे में आपको बात करना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन 21st सेंचुरी, गवर्नमेंट ने कैसे क्या इनिशिएटिव, जैसे मान लिया आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और NCF, NCERT, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, वो देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन, RTE ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, 2009 में जो आया उसके बारे में आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, राइट। एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया, शिक्षा व्यवस्था के बारे में भारत के संविधान में शिक्षा को कहाँ रखा गया है, कितना महत्व दिया गया, ये सारी चीज़ें ये आपको 6 यूनिट में आपको बहुत ही बेहतरीन, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे सारी चीज़ों को जानें, सारी चीज़ों को समझें, फिर ऐसे आप बच्चों को पढ़ाएं। समझ में आ गए, तीन सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। शुरू से पढ़ने की कोशिश करिएगा, वन बाई वन पढ़ने की कोशिश करिएगा, मिस मत करिएगा, डेली थोड़ा बहुत जरूर आप पढ़ने की कोशिश करिए। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को यहाँ तक देखा सब्जेक्ट के बारे में कि आपको पढ़ना क्या। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, वो बात कर लेते हैं मार्क्स डिटेल के बारे में, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम सिमिलरली जैसे आपके फर्स्ट ईयर में होता है ना, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन बी सेक्शन ए में, मान लीजिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सेक्शन ए में आप सबको पता है कि 10 सवाल दिए हुए होंगे, सेक्शन ए में आपके 10 सवाल होंगे दोस्तों, और इन 10 सवालों में क्या करना है भाई, सब एक नंबर के होते हैं, ठीक है, ठीक। वैसे ही सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके 8 नंबर के 5 सवाल होंगे, और सेक्शन सी में दोस्तों 2 सवाल होंगे, कितने नंबर के, 15 नंबर के, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने फर्स्ट ईयर का दिया वैसे ही होता। हम बात कर लेते हैं कि मार्क्स कैसे होते हैं, मतलब कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो दोस्तों आपने जो एग्जाम दिया था फर्स्ट ईयर में, उसमें भी आपने 80-80 नंबर का पेपर दिया था, तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो 80-80 नंबर के 3 आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट। और 20-20 नंबर आपका जैसे फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज से मिला था, उस तरीके से कॉलेज अपने बिहाफ पे देता है, मतलब कहने का मतलब है थ्योरी आपका 300 नंबर का होता है, राइट। 200 नंबर का आपका क्या होता है, 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब इस प्रैक्टिकल में आपको फाइल बनाना होता है, जब फाइल चेक होगी तो एग्जामिनर आपसे वाइवा लेगा, और आपकी टीचिंग कराई जाती है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल में भी जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं वो 150 देते हैं, और 50 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से। टोटल कहने का मतलब 200 नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, और 300 नंबर का आपका थियरी होता है। इन 300 में भी 80-80-80, ठीक है, इन 300 में आपका 80-80-80 मतलब 240 नंबर का एग्जाम होता है रिटेन, बाकी ये सारी चीज़ें कॉलेज की तरफ से मिलती। अब चूंकि सेकेंड ईयर में आप देखेंगे आपके सेकेंड ईयर में परसेंटेज बहुत अच्छे बन जाएंगे, कैसे, इस पॉइंट को यहाँ पे नोटिस करिएगा।
इन 200 नंबर में बाबू, इस 200 नंबर में आप सभी को 195 नंबर मिल जाएगा, मतलब 195 192 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, सबको मिल जाएगा। अब इस 60 नंबर में दोस्तों 55 नंबर तो कम से कम सबको मिल ही जाएगा, ठीक है, 55 नंबर सबको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों 250 नंबर, ठीक है, कितना हो गया 250। अब इस 240 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आप देखेंगे टोटल आपके 500 नंबर का है, टोटल आपका कितने नंबर का है, 500 नंबर का है। अब इस 240 में अगर आपने 50 50 50 या फिर 60 60 मान लीजिए, 80 में 50 ही मान लीजिए, एवरेज 50 मान लीजिए, अगर आपने 150 नंबर और यहाँ पे गेन कर लिया, अगर आपने 150 और यहाँ पे गेन कर लिया तो आपका यहाँ पे 400 नंबर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका 80 नंबर हो, 80% हो जाएगा, ठीक है। 50 से आप ज़्यादा 55 भी पाएंगे, 57 भी पाएंगे, 60 भी पाएंगे, 61 भी पाएंगे, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों इसमें 85% 86% 87% 90% लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको नंबर अच्छा मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, शुरू से और स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है, समझ में आई, और कोई बात रह गया। चलिए थोड़ी सी बात रह गई प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। प्रैक्टिकल में जैसे आपको फर्स्ट ईयर में फाइल्स लिखनी थी, वैसे ही आपको फाइल्स लिखना है। फाइल लिखने के बाद आप जैसे एग्जामिनर आते हैं वहाँ पे, हाँ, एक महीने की टीचिंग लगती है, आपके स्कूल वाले किसी स्कूल में टीचिंग कराते हैं, आपको वहाँ पे जाके एक महीना टीचिंग करना होता है। सभी स्कूलों में नहीं होता, सभी कॉलेजेस में नहीं होता, कुछ कुछ कॉलेजेस कराते हैं, कुछ कॉलेज खुद में ही मतलब अपने बच्चों में ही टीचिंग करा लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस है कि टीचिंग होती है एक महीने की, बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। और इसके अलावा भी एक आपका टूर होता है, कहीं आपको घूमने कॉलेज की तरफ से जाना पड़ता है, ट्रिप होता है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। वो तो डिपेंड करता है कि कॉलेज लेके जाते हैं कि नहीं, लेकिन मोस्टली कॉलेज लेके चले जाते हैं। तो ये हो गई बात कंप्लीट आपके बीएड सेकेंड ईयर को लेके, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है, जुड़े रहिए चैनल से, साथ में जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मजा आएगा, सीखते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बिगनिंग से ही, शुरू से ही थोड़ा बहुत, ताकि एग्जाम आते आते बिल्कुल टेंशन ना रहे, एग्जाम आप बस मस्ती से सो के जाके पेपर दीजिए, और इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि इस बार तैयारी कर लिया जाए, ठीक है, साथ देंगे आप लोग, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ साथ देंगे। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई दोस्त जो छूट गया हो, उस तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चे लास्ट में ज्वाइन किए थे, तो कोशिश करेगा कि सब तक पहुंच जाए, अपने कॉलेज ग्रुप में भेज दीजिएगा जहां तक हो सके। आपके बीएड के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर, जो बीएड के बच्चे हैं अपने यूनिवर्सिटी से, उन तक भेजिएगा, उन तक जाएगा, फ़ायदा करेगा, पढ़ाई करेंगे सब साथ मिलकर, ठीक है। फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपसे बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय और प्रतिक्रियाएं कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।